नमस्कार, मैं रतन, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। जिस तरह से पश्चिम बंगाल सहित अन्य अन्य राज्य में जिस तरह से वोट हो रही है एवं कहीं देखा जा रहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी कहीं जीत हासिल कर रही है तो वहीं कहीं विपक्षी दल जीत हासिल कर रही हैं, तो जिस तरह से विपक्षी ईवीएम के ऊपर में निशाना साधते हुए आज पश्चिम बंगाल कांग्रेस की ओर से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का घेराव किया गया है। विपक्ष का कहना यही है कि जिस तरह से ईवीएम में गंडगोल एवं कारचुपी की जा रही है, इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत है। आज जो हो रहा प्रोग्राम है, ये एक्चुअली ये है इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में, ईवीएम के अगेंस्ट में है, क्योंकि 2014 से पहले भी इलेक्शन ईवीएम में इलेक्शन हो रहा था, मगर 2014 के बाद से देखा जा रहा है कि डे बाई डे जो है जब भी इलेक्शन होता है तो ईवीएम में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये निर्वाचन कमीशन को पता है, हम लोग कांग्रेस की तरफ से बार बार एजिटेट किया जा रहा, चिट्ठी दे रहे निर्वाचन कमीशन को कि आप लोग थोड़ा देखिए, वीवीपैट का यूज़ कीजिए सही तरीका से, मगर निर्वाचन कमीशन जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो उसके अगेंस्ट में आज हम लोग पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस शुभंकर सरकार जो प्रेसिडेंट है उनके नेतृत्व में आज हम लोग निर्वाचन कमीशन को यहाँ पर एक डेपुटेशन दे रहे हैं कि जिस तरह से अभी सामने जो महाराष्ट्र इलेक्शन हुआ, हरियाणा इलेक्शन हुआ, आप इसमें आप देखेंगे कि शाम होते होते इतना वोट परसेंटेज बढ़ जा रहा है कि आदमी को शक के घेरे में आ जा रहा, कहीं पे 3 लाख वोट बढ़ जा रहा, कभी 4 लाख वोट बढ़ जा रहा। तो इसी पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपका ईवीएम सही है, अगर इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं हो रहा, तो ये वोट कैसे बढ़ रहा है? और एग्जैक्ट फिगर जो देना चाहिए निर्वाचन कमीशन को, वो निर्वाचन कमीशन सही ढंग से एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा, वो लोग हमेशा एक गलत फिगर दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि विपक्ष वाला लोग को दिक्कत हो रहा। तो अगर आपको निष्पक्ष चुनाव का रिजल्ट अगर लाना है तो हम लोग चाहते हैं कि वापिस इसको बैलेट में लेके आया जाए, ताकि बैलेट में देखिए छप्पा होना अलग बात है, मगर इतना 5 অমিতাভ চক্রবর্তী, মহিলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, যুব কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, আজকে এরা সবাই আছেন। আয়োগ কা আজ আপনারা যে চিত্তা সে ঘেরাও করতে যা রে, উসকা মুখ্য উদ্দেশ্য কিয়া? মুখ্য উদ্দেশ্য নির্বাচন কমিশন কো ইম্পার্শিয়াল অ্যাক্ট করনা চাহিয়ে, জো নেই হো রাহা হ্যায়। महाराष्ट्र में हम लोग देखा है, हरियाणा में देखा है, और ईवीएम को बातिल करना होगा। बैलेट बैग्स में हमको वोट चाहिए। इतने बड़े 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 भारत वर्ष में बैलेट से संभव करवाना संभव है? वोट एकदम संभव है। अमेरिका में कैसे हो रहा है, लंदन में कैसे हो रहा है, जर्मनी में कैसे हो रहा है, ऑल डेवलप कंट्री कैसे हो रहा है? जिस तरह से आपने कहा कि ईवीएम में छेड़खानी हो रही है, तो यहाँ पे झारखंड में भी तो महागठबंधन की सरकार ने जीत दर्ज की है। यही तो मजा का बात है। ईवीएम जिधर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईवीएम का जब मैनिपुलेट किया है तो भी परेशानी का बात है। आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन के बाद में विक्षोभ? इलेक्शन कमीशन एकदम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, इम्पार्शियल नहीं है।